अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़िशान हमदानी फ्रॉम हमदानी ज़मीन एडवाइज़र्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के डी ब्लॉक में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया के 23 रेजिडेंशियल ब्लॉकों के दरमियान जो डी ब्लॉक है, ये कमर्शियल मरकज़ के लिए रखा गया है, जिसमें पार्क्स के लिए प्लॉट्स रखे गए हैं और पार्किंग के लिए पूरे प्लाजे बनाए जाएंगे। इसके साथ एक बड़ी मस्जिद है जो कि अमीर हमज़ा के नाम से है, और इसके साथ तमाम जो है 40x40 के कमर्शियल बनाए जा रहे हैं, जिनमें कमर्शियल शॉप्स, कोऑपरेटिव ऑफिस और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये गुलबर्ग का जो मेन इंट्रेस है 0 पॉइंट, वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 6 से 7 मिनट का डिस्टेंस है। इसके इर्द गिर्द 23 रेजिडेंशियल ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक के अंदर तकरीबन 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार प्लॉट हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी शॉप देख रहे हैं, यानी जिन जो मिनिमम 35-40 लाख से स्टार्ट होती हों और जिनकी रेंटल वैल्यू तकरीबन 15-18 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती हो, या कोऑपरेटिव ऑफिस हो, इसी तरह कम बजट में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट देखना चाह रहे हैं कि जहाँ पर उनको 3-4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर वो अपार्टमेंट परचेज कर सकें। इनिशियल स्टेज में आपको 25%-30% डाउन पेमेंट देनी होगी और रिमेनिंग अमाउंट आपको 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान बना के दिया जाएगा। तो उसके लिए गुलबर्ग रेजिडेंशिया का जो डी ब्लॉक है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी जो लोग जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या गुलबर्ग में तमाम फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, यानी कमर्शियल प्लाजे तैयार हो चुके हैं, तो चूँकि ये डी ब्लॉक जो है ये स्पेसिफिक कमर्शियल के लिए है, तो यहाँ पर मौजूद जो बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं या जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो इस ड्रोन व्यू में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।